हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक यूरोपियन कंट्री के बारे में बताने वाला हूं और आपको तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आप इस यूरोपियन कंट्री का वर्क परमिट ले सकते हैं। दोस्तों वर्क वीजा ले सकते हैं इस कंट्री में। अगर आप वर्क वीजा लेकर के जाकर के काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अलग अलग टाइप के वर्क वीजा ले सकते हैं आप। 1 साल का वर्क वीजा ले सकते हैं, 6 महीने का वर्क वीजा ले सकते हैं, जॉब सीकर वर्क वीजा ले सकते हैं दोस्तों, 2 साल का वर्क वीजा ले सकते हैं। आपको इन सभी वर्क वीजा के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। साथ ही आपको यह बताऊंगा कि अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना होता है दोस्तों। वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी, प्रोसेस की जानकारी, सब कुछ जो है आज के इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रिया की। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी नेबरिंग कंट्रीज की अगर बात की जाए तो जर्मनी है, चेक स्लोवाकिया है, अलग अलग कंट्रीज जो है आसपास है, पोलैंड है, और उन्हीं के बीच में जो है ऑस्ट्रिया आता है दोस्तों। ऑस्ट्रिया की पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो 90 लाख लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। और लेबर शॉर्टेज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको लेबर शॉर्टेज देखने को मिल जाएगी कुछ सेक्टर्स में, जिसकी वजह से जो दोस्तों आपको आराम से जॉब्स भी मिल जाएंगी और आप अलग अलग टाइप के वीजा के लिए अप्लाई करके जो है वहां जाकर के काम भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी दूंगा लेबर शॉर्टेज से रिलेटेड, साथ ही आपको बताऊंगा वर्क वीजा के पूरे प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि वर्क परमिट का प्रोसेस क्या होता है। वर्क परमिट अगर आपको चाहिए तो आपको जो है किसी भी कंट्री में सबसे पहले जॉब सर्च करनी होती है। जॉब सर्च करके जॉब के लिए अप्लाई करोगे, जब एक बार आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तब आपका एम्प्लॉयर जो है आपके इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करता है, और इंटरव्यू होने के बाद एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे अपनी कंट्री की अथॉरिटी में जाकर के जो है दोस्तों आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है। तो आपका वर्क परमिट हम नहीं दे सकते, आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, आपका एम्प्लॉयर ही कर सकता है आपके बिहाफ पे। आपसे जो सर्टिफिकेट्स ले लेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स दे दो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स दे दो, सारी की सारी सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर के, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के अपनी कंट्री में जाएगा और आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा। जो भी फीस होगी या तो वो देगा या तो आपसे मांगेगा, ठीक है। दोनों मतलब ऑप्शन है आपके पास। कुछ एम्प्लॉयर्स जो है अपनी साइड से फीस पे कर देते हैं, कुछ एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि नहीं आप हमें पैसे दो और हम आपके जरिए आपके बदले जो है वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। वर्क परमिट के लिए अप्लाई होने के बाद दोस्तों 15 से 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद जो है आपका वर्क परमिट आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको वर्क वीजा लेना होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों। साथ ही अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप का सीवी बनता है दोस्तों, जिसे हम ATS फॉर्मेट का सीवी कहते हैं या फिर हम यूरोपास भी कह सकते हैं दोस्तों। अगर आप यूरोपास बनाते हैं तो वो यूरोपियन स्टैंडर्ड का सीवी होता है दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज में चलता है। और अगर आप ATS बनवाते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज में भी चलता है और बाकी के देशों में भी चलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से एक प्रोफेशनल ATS या फिर यूरोपियन स्टैंडर्ड का सीवी और कवर लेटर बनवाइए और फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए, ताकि आप भी जल्द से जल्द रिस्पॉन्स पा सके और आप भी वर्क परमिट वर्क वीजा का प्रोसेस जो है चालू करवा सके अपने एम्प्लॉयर के जरिए, ठीक है। एक सीवी और कवर लेटर अगर आप बनवाना चाहते हैं प्रोफेशनल टाइप का तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप हमें कांटेक्ट करते हैं अभी तो अभी हमारा ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलता है। इस डिस्काउंट का फायदा उठाइए दोस्तों, इस ऑफर का फायदा उठाइए, कम दाम में जो है एक बढ़िया सा प्रोफेशनल सीवी बनाइए दोस्तों और जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए, ठीक है। अब ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको जो है बाकी की डिटेल्स देता हूं, चलिए चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट पे लेकर आया हूँ जहाँ से आपको मैं ऑस्ट्रिया के वर्क परमिट और वर्क वीज़ा से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी दे दूंगा। आपको मैंने प्रोसेस के बारे में तो बता ही दिया कि अगर आप वर्क परमिट पाना चाहते हैं तो पहले आपको जॉब सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद एम्प्लॉयर आपका जो है वो वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद आपको देगा और आप जो है उसी के बिहाफ पे वर्क वीज़ा ले सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इस पेज पर आपको क्या क्या कॉन्टेंट देखने के लिए मिलेंगे। आपको वर्क वीज़ा के टाइप के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से वर्क वीज़ा आपको देखने के लिए मिल सकते हैं ऑस्ट्रिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड व्हाइट रेड कार्ड नाम का एक वर्क वीजा है दोस्तों, जो कि 24 महीने का होता है, 2 साल का वर्क वीजा होता है दोस्तों, जिसमें जो है एम्प्लॉयज सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयर्स के लिए काम कर सकते हैं जिनके अंडर वो जाते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के अंडर ही वो काम कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट होता है दोस्तों, वो भी आप 1 साल के लिए ले सकते हैं। जॉब सीकर वीजा होता है दोस्तों, जिसके तहत जो है हाईली क्वालिफाइड लोग वहां जाकर के जॉब सर्च कर सकते हैं, मतलब आपको जॉब की जरूरत नहीं होती है इस वीजा को लेने के लिए, आप पहले ये वीजा लेकर के उस कंट्री में जाकर के जॉब सर्च कर सकते हैं। बिजनेस वीजा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, EU ब्लू कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसे अलग अलग टाइप के वीजा देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए वर्क परमिट के लिए, वर्क वीजा के लिए, तो यहां पर आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है, आपको फोटो की जरूरत पड़ने वाली है जो कि 6 महीने पहले ली गई है, ठीक है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन की जरूरत पड़ेगी, प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की जरूरत पड़ने वाली है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है दोस्तों आपको आपके वीजा और वर्क परमिट के लिए जरूरी पड़ने वाले हैं। उसके बाद आपको जो है प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी शो करनी पड़ती है कि आप खुद को सपोर्ट कर सकते
सकते हैं फाइनेंशियली अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करना चाहते हैं तो। और बाकी आप देखें अगर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी जॉब्स पाने के लिए यहाँ पर, वीज़ा पाने के लिए, तो यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास स्किल्स वगैरह होना चाहिए, लैंग्वेज एबिलिटीज़ होनी चाहिए, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफ़िल कर पाते हैं दोस्तों तो आप ईजिली जो है ऑस्ट्रिया का वर्क वीज़ा ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है आपको ऑस्ट्रिया के वर्क वीज़ा की फ़ीस देखने के लिए मिल जाएगी। आप देख सकते हैं 120 यूरो जो लगते हैं वो रेड वाइट रेड कार्ड के लिए लगते हैं। तो करीब आपको जो है अगर ऑस्ट्रिया का वीज़ा लेना है, खुद के दम पे लेना है दोस्तों, किसी एजेंट के ज़रिए नहीं लेना चाहते हैं, तो आप जो है 10,000 से 15,000 के बीच में खर्च करके जो है आप ऑस्ट्रिया का वर्क वीज़ा ले सकते हैं दोस्तों। और वर्क परमिट की बात रहे तो वो तो आपका एम्प्लॉयर भी आपके लिए पे कर सकता है, लेकिन ये 100% श्योर भी नहीं है कि वर्क परमिट की फ़ीस जो है आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। आपसे भी डिमांड की जा सकती है आपके वर्क परमिट की फ़ीस की, आपको उस समय अपना वर्क परमिट का फ़ीस देना पड़ सकता है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है अगर आप ऑस्ट्रिया का वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो जॉब ढूंढिए, अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं दोस्तों, जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ वेबसाइट्स डाल दूंगा जिनके ज़रिए जो है आप ऑस्ट्रिया की जॉब्स के लिए सर्च कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया वेट करना छोड़िए, जल्दी कीजिए। देखा दोस्तों आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं अगर आप ऑस्ट्रिया जाकर के काम करना चाहते हैं तो। अलग अलग टाइप के वीजा ले सकते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए अलग वीजा है, स्किल्ड लोगों के लिए अलग वीजा, और जो वहां जाकर के जॉब ढूंढना चाहते हैं उनके लिए अलग वीजा, बिजनेसमैन के लिए अलग वीजा, अलग अलग टाइप के वीजा है दोस्तों। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से वीजा के लिए सुटेबल हैं, आप कौन सा वीजा ले सकते हैं और आप कौन सा वीजा लेकर के वहां जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।